तुमने इस्तीफा दे? सुपर्ब सुपर्ब, क्या बात है, वंडरफुल न्यूज। हाँ हाँ, ओके, सी यू सी यू, बाय। जॉन। हे डैरेन, व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स अप विद यू? मैंने कल रात को तुम्हें कितना ढूंढा, पर तुम तो मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे क्यों ढूंढ रही थी, क्या हुआ, कोई जरूरी काम है क्या? नहीं नहीं, कोई जरूरी काम तो नहीं था, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, एक्चुअली पूरी टीम वरिड थी। नहीं नहीं, उनसे कहना कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस पार्टी थोड़ी बोरिंग लगी, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया था। कल रात को तुम थोड़ा दुखी लग रहे थे, इसलिए फिक्र हो रही थी। आई थिंक फैब्रिक की वजह से। तुम मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहो तो मैं यही हूँ। एक्चुअली हाँ, मुझे 10 मिनट में सबके साथ मीटिंग करनी है, सबको बोल दो। पर क्यों? बिजनेस डैरेन, बिजनेस। ये ऑफिस है तो फॉर अ चेंज हम सबको यहाँ काम करना चाहिए, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ? जाओ बुलाओ सबको। हाँ, पर मीटिंग बुलाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉम्पस पोर्ट, वो प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें उन्हें ये प्लान भेजना है। मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, वो थोड़े कॉन्टेक्ट बनाए तो लेट्स होप वो हमारे काम आ जाए। चलो चलो फटाफट काम पर लगते हैं। काम पर लगते हैं। सी यू देन। सी यू। मैं मीटिंग बुलाती हूँ। क्या सिनेमा और फैब्रिक एक साथ रह रहे हो? सब सुन लो। सच में? मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो अपनी क्या बोल रही है? और गाइस, जानते हो क्या हुआ? मिस्टर जान ने ना गॉसिप करना बैन कर दिया है। जो भी कोई गॉसिप करता दिखेगा ना, उसे वो सीधा फायर कर देंगे। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ओके? ये लास्ट। हाँ, सही कह रहे हो, नो गॉसिपिंग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और तो और ना, मैंने और तो और मैंने ये भी सुना था कि स्नेम मिस्टर फैब्रिक के साथ थी। अरे बापरे, ये क्या बोल रहे हो? अरे जे जे, तुम यहाँ? वेल, सनेम ने उसका परफ्यूम इस कंपनी को बचाने के लिए बेचा है, ये एक सैक्रिफाइस है। तुम गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, मिस्टर जान ने कहा है गॉसिप करना अलाउड नहीं है। तुम सनेम के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। हाँ, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, हमेशा। ओ, तुम्हें वार्निंग मिल गई ना, अच्छी बात है। हाँ, चलो चलता हूँ। हर तरफ सलीम के चर्चे हैं। हाँ दोस्तों, मैंने कुछ सुना है कि जो ड्रेस सनेम ने पार्टी में पहना था वो रियल नहीं था, वो एक इमिटेशन वाला ड्रेस था, झूठा। उसमें क्या फेक था बताओ सर? उसका पूरा ड्रेस इफेक्ट था, झूठा था। हाँ, मैं सिर्फ उसकी ड्रेस के बारे में बात कर रहा था, तुम लोग फिर से गॉसिपिंग करने लगे, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। आदमी ने सलीम के लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, और क्या? ऐसी पार्टियां तो मेरी माँ भी ऑर्गेनाइज करती है। नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। प्लीज चुप करो, चुप करो, सीक्रेट मत बताना, मत बताना, प्लीज 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 मत बोलो, समझे? गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई, ऊपर से यहाँ गॉसिप कर रहे हो, तुम्हारी गॉसिप में कोई नहीं है, समझे? और मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। प्लीज प्लीज मुझे बता दो, तू रॉन्ग मुझसे, मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे जितना हो गॉसिप बंद करो, वरना मेरा दिमाग चकरा जाएगा। दिमाग चकराने लगा है, बोल रहे हैं सलीम और कैफे का फेयर कराने लगा दिमाग। सीरियसली बस करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कब से कि चुप बैठो, लेकिन फिर भी बड़ 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 किए ही जा रहे हो। गॉड, इनकी गॉसिपिंग फिर से शुरू हो गई है। सनेम तुम्हारी भी दोस्त थी तो बस करो, समझे? बस करो, बस करो, बस करो, मुझे और सहा नहीं जा रहा। सनेम के बारे में गॉसिप करते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे बीच में मत बोलिए, मैंने कहा ना सनेम के बारे में। मेरी बात सुनो मिस डैरेन, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो प्लीज, क्या मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना, बोलिए। गाइस सब लोग सुनो, मीटिंग रूम में 5 मिनट में आ जाना, और तुम सनेम को भी बुला लेना, हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, मिस्टर जान तुम्हें सारी डिटेल्स बताने वाले हैं, तो जल्दी करो। चलो, नया काम मिल गया, गॉसिप भूल जाओ और काम करो अपना, काम करने के पैसे मिलते हैं, गॉसिप करने के नहीं, समझे ना? अच्छा हुआ काम आ गया। नो गॉसिप, नो गॉसिप, नो गॉसिप, गॉसिप बंद, अब गॉसिप बंद। सनेम, हेलो जे जे। हेलो सनेम, तुम अभी तक आई कैसे नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा जे जे, मैं नहीं आ रही। कहाँ हो सनेम, हमें तुम्हारी यहाँ जरूरत है, अभी क्या इनविटेशन भेजू तुम्हें कि प्लीज यहाँ आओ? मैं आज से काम पर नहीं आऊंगी, मैंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन कर दिया, ये क्या बोल रही हो तुम सनेम? तो क्या वो सारे रूमर सच है कि तुम और मिस्टर फैब्रिक, मेरा मतलब है यहाँ बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप कर रहे हैं? ओह नो, मैं तो फैब्रिक के बारे में भूल ही गई थी, पर मैं अभी शॉप पे काम कर रही हूँ, उसे छोड़ के नहीं आ सकती। तुम दुकान पर काम कर रही हो? हाँ,
अब यही मेरी दुनिया है। नॉनसेंस, करियर का ग्राफ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं। और बाय द वे, कल रात तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर हमारी बात नहीं हो पाई। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी, मुझे लगा मिस्टर जान ने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है, और तुमने भी तो आकर मुझसे यही कहा था और उसी पे मैंने भरोसा किया। मेरी कोई गलती नहीं है, पुलिस को मिस आइलिन ने ये सब फोन पर बताया था कि मिस्टर जान पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी सनम, मैंने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी। पर तुम ऐसे इस्तीफा देकर कैसे जा सकती हो? सनम मेरी बात मानो, प्लीज प्लीज अपना इस्तीफा वापस ले लो, प्लीज मेरी जिगरी दोस्त। अब मैं कुछ नहीं कर सकती जे जे, प्लीज प्लीज अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो। यहाँ के लोग पागलों की तरह गॉसिप कर रहे हैं, उनका कहना है कि मिस्टर फैब्री और तुम्हारे पीछे एक अच्छा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने वो ड्रेस तुम्हारे लिए भेजी थी। प्लीज सनम, तुम यहाँ और इन सबका मुंह बंद कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। सनम, अपने नाम पर ये धब्बा मत लगने दो। प्लीज सनम, मेरी बात मानो, प्लीज आ जाओ, प्लीज 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 आ जाओ, प्लीज प्लीज। मुझे फोन रखना होगा जे जे, सी यू लेटर। क्या करना चाहती हो तुम आइलिन? जान, जान, आप रेडी हैं? आर यू फाइन? हाँ हाँ हाँ। डेरन तुम जाओ, मैं दो मिनट में आता हूँ। हाँ, दो मिनट। ठीक है, मैं मीटिंग रूम में हूँ, आपका वेट कर रही हूँ। हाँ, मैं बस आ रहा हूँ। हेलो लैला, क्या सोचा? डॉक्यूमेंट्स लिए तुमने? हाँ हाँ, ठीक है, चलो अभी ले आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि कहाँ मिलना है। ठीक है। मिस्टर एम्ब्रे, मैं ये नहीं कर सकती। क्या? ये तुम क्या कह रही हो लैला? क्या कह रही है वो? उससे कहो जल्दी आने के लिए। मिस्टर एम्ब्रे प्लीज समझिए, आई अंडरस्टैंड यू, लेकिन ये सब करने के लिए मैं बिट्रे नहीं कर सकती उसे, प्लीज आप समझिए मेरी बात को। नहीं लैला, तुम सनम को बिट्रे नहीं कर रही हो, बल्कि तुम मेरी जान बचा रही हो। मिस्टर एम्ब्रे प्लीज मुझे इंसिस्ट मत कीजिए, आई कांट डू दिस प्लीज। आप मिस्टर जान के रिलेशन को दांव पर लगा सकते हैं, पर मैं सनम के साथ ऐसा नहीं करूंगी, वो मेरी बहन है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप जानते हैं। डोंट वरी, मैं ये डॉक्यूमेंट सनम को नहीं दूंगी, प्लीज आप मिस्टर जान से बात करिए, प्लीज आप दोनों से बात करिए प्लीज। अगर आप अपनी सिचुएशन उन्हें बताएंगे तो वो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे, प्लीज आप उनसे बात करके तो देखिए। It is not that easy. तुम जाने दो। It is easy, Mr. Emre. झूठ बोलना difficult होता है। सनम को झूठ की वजह से जॉब छोड़ना पड़ा है, आप जानते हैं। क्या कहा? सनम ने ऑफिस छोड़ दिया? हाँ। Mr. Emre, मैं आपको सालों से जानती हूँ और आप ये पॉलिटिक्स वगैरह नहीं खेलते हैं, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आप अच्छे हैं, प्लीज ये याद रखिए, और मिस्टर जान से बात कीजिए प्लीज। लैला, मीटिंग है, आ जाओ। हाँ हाँ, अभी आती हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है, सी यू, बाय बाय। ओके गाइस, ये है कॉम्पस स्पॉट कंपनी, ये स्पॉट्स और आउटडोर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लीडिंग कंपनी ऑन सेक्टोरियल बेसिस, ये लोग नई एडवर्टाइजिंग एजेंसी ढूंढ रहे हैं। और इनका एडवर्टाइजिंग बजट भी बड़ा है, अगर हम ये जीतते हैं तो विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। हमें बहुत अच्छी पिच बनानी होगी, एक दमदार पिच। हमारे साथ 5 और एजेंसीज कम्पीट करेंगी, पर वो हमें चूज करेंगे, वो हमारे क्लाइंट्स होंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि आई ट्रस्ट यू ऑल, मुझे आपकी काबिलियत और टैलेंट पर कोई शक नहीं है। हम दिन रात मेहनत करेंगे और एक बहुत अच्छा एड बनाकर उन्हें प्रेजेंट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट हमें ही मिले किसी भी हालत में, तो सब रेडी हो जाओ। ओके, तो गाइस बताओ, क्या हम सब कम्पीट करने के लिए तैयार हैं? अरे वाह, ठीक है, तो चाय कॉफी ले लो और काम पे लगो, चलो कम ऑन गाइस। जी जी, मिस्टर जान के लिए चाय जरूर। आपको चाय में लेमन जूस डाल कर देता हूँ ताकि आपकी नहीं, नहीं, बहुत अच्छी लेमन जूस नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके गाइस, चलो स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्रैक करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे आके डिस्कस करो। ठीक है, ठीक है, ओके, हेलो।
सुपर सुपर। अब सोचो कि इसे कैंपेन के साथ कैसे इंटीग्रेट करें। मिस्टर जॉन, मिस्टर फाबरी आ गए हैं, मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। वेलकम, आइए आइए। हेलो डेरेन। आई थिंक आप बहुत बिजी हो। हाँ, एक्चुअली हम नई पिच की तैयारी कर रहे हैं, बट डोंट वरी, मैं हेल्प करूंगी। नाइस। मैं भूल गई थी डेरेन, दरअसल मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, तो मैं लेकर आती हूँ। ओके हाँ बिल्कुल, सोंगुल प्लीज माई मैम को आओ। थैंक यू सो मच। ओमिर तुम मेरे साथ आओ, तुम भी आओ फाबरी, मैं अभी आती हूँ। जान, ओह मिस्टर जान भी आ रहे हैं। वेलकम, कैबिन में मिल। हेलो, हैव अ नाइस डे, बाद में मिलते हैं। आप तो कल पार्टी में दिखे नहीं मिस्टर जान। हाँ मुझे काम था। और मुझे सनम भी दिखे नहीं, कोई प्रॉब्लम है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सनम को इल्जाम लगाने वाले लोग पसंद नहीं है, वो घर चली गई होगी। इल्जाम? हाँ इल्जाम, सही कहा। ऐसी चीजों का जो उसे पसंद नहीं है, उसे नफरत है इन चीजों से, मैं जानता हूँ उसे। मैं उसका एक्स फियांसे था तो मैं तो बस एक छोटा सा सरप्राइज देने आया था, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। सरप्राइज और इल्जाम दोनों में बहुत फर्क होता है मिस्टर फैब्रिक, इतनी बात तो आप समझते होंगे ना? यस यस सर, आई एम सॉरी मिस्टर जान, गलती हो गई मुझसे। मिस्टर जान, I believe सनम की खुशी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शी डिजर्व्स द बेस्ट। मिस्टर फैब्रिक, सनम के लिए आप इतना सोचते हैं ये देखकर खुशी हो, पर एक बात सुन लो, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। सनम में इतनी दिलचस्पी दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने तो उसे ब्रेकअप कर लिया ना? हाँ अभी अभी, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, ये बहुत इरिटेटिंग है। वैसे आपको सच बता दूं, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ। आपको सच में ऐसा लगता है? यू नो मिस्टर जॉन, यूजुअली कपल्स के ब्रेकअप के बाद वो एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, वो फ्री होते हैं, उसे जैसे रहना है, डेट पर जाना है, ये सब उसकी मर्जी है ना कि आपकी। सही कहा, बिल्कुल सही, पर मैं बाकी जैसा बिल्कुल नहीं, तो मुझसे थोड़ा बचकर ही रह, ठीक है? I'm watching you. Okay, thank you. I'll call you later. Sanim. Oh guys, देखो सनीम आ गए। क्या? Hey, देखो तो सनीम आ गई। सनेम, सनेम वेलकम। एकदम प्रोफेशनल की तरह लग रही हो तुम, सच कह रहा हूँ। हाँ, लोगों को प्रोफेशनलिज्म ही सिखाने आई हूँ। ब्रावो सनेम, मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम बस अब देखते जाओ असली प्रोफेशनल असल में क्या करते हैं। हेलो सनम, कैसी हो? सब ठीक तो है? हेलो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं मिस्टर फाबरी। ये क्या है? आपका गिफ्ट, मैं आपको लौटाने ही वाली थी और अच्छा हुआ आप यही मिल गए। सनम, पर क्यों, किस लिए? मुझे मुझ पर इल्जाम लगाने वाले लोग पसंद नहीं मिस्टर फाबरी। मिस्टर जॉन ने भी यही कहा, तुम्हें ऐसे लोग पसंद नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो तुम्हें काफी करीब से जानते हैं। मैं आपसे थोड़ा ध्यान रखूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो तुम, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आई विल नॉट वरी, बट यू शुड मिस्टर फाबरी।
मैं फिर से ऐसी चीजें टॉलरेट नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना हमें एक दूसरे को थोड़ा और जानना चाहिए। और देखिए, जितना बिजनेस के लिए हमें एक दूसरे को जानना चाहिए हम जानते हैं। प्लीज आगे से ऐसी कोई हरकत मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। आई होप ये हमारे रिलेशन पर इफेक्ट ना करे। हम तुम्हारे परफ्यूम पर साथ में काम करना चाहते हैं। As I promised कि मुझे वो पसंद है। अगर आप प्रोफेशनली काम करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर फैब्री। अच्छा, then hope to see you soon. Goodbye. Goodbye. ख्याल रखना। मिस्टर फैब्री, आप कुछ भूल रहे हैं। चलो। सनेम, क्या बात है सनेम, एकदम प्रोफेशनल, सुपर्ब। तुमने ठीक कहा जेजे, बहुत प्रोफेशनल हूँ मैं। एंड आई होप कि बाकी सारे भी उतने ही प्रोफेशनल होंगे। परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रही हो। एक और इशू है जो मुझे प्रोफेशनली सॉल्व करना है। कैसा काम? रिजाइन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर? लेकिन क्यों रेजिग्नेशन? Resignation. एक बार अच्छे से लिख लेती हूँ फिर घर चली जाऊंगी। पेपर्स कहाँ गए? सनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओ? तुम बताओ, तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट क्यों है? सनी, आई कैन एक्सप्लेन यू। ये क्यों है? सनी सुनो, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ लैला? मिस्टर एमरे से बात हुई थी मेरी, मैं उनसे बात करके आई। मिस्टर एमरे? मिस्टर एमरे सुनो, ये हाँ लगा ही था तुम उनके लिए कुछ भी कर सकती हो ना। सनी नहीं, मिस्टर एमरे जान से बात करने वाले हैं। तुम एक्सप्लेनेशन मत दो मुझे, जो समझना था मैं समझ गई हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्स मुझसे चुरा कर मिस्टर एमरे को देने वाली थी ना? नहीं, मुझे झूठ और चालाक लोग पसंद नहीं है। सनीम, कम ऑन सनीम, सनीम कम ऑन सनीम, बी ब्रेव, आज इस सब पर ब्रेक लगा दो। क्या हुआ? मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक बार देख लीजिएगा। क्या बोल रही हो तुम, रिजाइन क्यों कर रही हो? मैंने आपसे कल कहा था ना, लेकिन मुझे लगता है रेजिग्नेशन लेटर देना काफी प्रोफेशनल रहेगा। Are you sure? Yes, I am. तो तुम जाना चाहती हो? जी हाँ। क्यों? मैं एक ऐसे बॉस के साथ काम नहीं कर सकती जो मेरी बिना सुने ही सारे डिसीजंस ले लेते हैं। सनम, सिचुएशन को देखे तो तुम्हारी सुनने में भी कोई खास फायदा नहीं था।
सच कहूँ तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, आप कभी कभी समझ भी नहीं पाएंगे। जो समझना था वो समझ लिया। गुड बाय।